दोस्तों अभी इंस्टाग्राम पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, आ गई है ट्रेंडिंग में। सबसे पहले आप सबको अपनी कहना चाहूँगा दोस्तों, आप वीडियो बनाने के लिए आप वीडियो को पूरा वॉच करें, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आपको क्रोम खोल लेना, क्रोम पे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट बिंक AI इमेज जनरेटर, यहाँ पर इतना क्लिक कर लेना और इस पर स्टार्ट पर आ जाना है। अब दोस्तों ये मैंने फ्रंट यूज किया है, मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो सॉरी कॉपी कर लेना। तो मैं अभी वो फ्रंट अभी यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ कैसे कैसे यूज होता है। दोस्तों ये मैंने बनाया था, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से कॉपी कर सकते हो। तो देख सकते हो ये मैंने बनाया है। अब दोस्तों इसमें आप प्रोफाइल रखना चाहो या फेसबुक की प्रोफाइल रखना चाहते हो, तो आपके एक इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम लिखा है, तो यहाँ पर आप फेसबुक लिख सकते हो, यहाँ पर इसे कट कर कर यहाँ पर देख सकते हो ये फिर इंस्टाग्राम लिखा है। यहाँ पर आप अगर इंस्टाग्राम ना छोड़ कर, इंस्टाग्राम को छोड़ कर अगर आप चाहते हो मैं फेसबुक का रखूँ, तो फेसबुक रख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ अनूप, तो यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, देख सकते हो मैंने डाल दिया अपना नाम। और आपको कुछ नहीं करना है, जनरेट पर क्लिक कर लेना है क्रिएट, और ये कुछ देर वेटिंग लेगा और यहाँ पर आपको 3D सोशल मीडिया इमेज बना के दे देगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीका से यहाँ पर ये सोशल मीडिया प्रोफाइल बना के दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों आपको और बनाना है, तो ये द्वारा क्रिएट पर क्लिक कर सकते हो। अब दोस्तों इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ इस फोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर 3 डॉट दिखेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो ये डाउनलोड हो गई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।